हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है पेशी ऊतक। इससे पहले जो आपने ऊतक पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक पढ़े हैं। हमारे प्राणी ऊतक चल रहे हैं, ठीक है। प्राणियों के अंदर जो कोशिकाओं का यानी बॉडी का निर्माण करते हैं, जो कोशिकाएँ एक जैसी होती हैं, जो कार्य में समान होती हैं या क्रियाओं या जो क्या होती है संरचना में समान होती हैं या उत्पत्ति में समान होती हैं ऊतक कहलाते हैं। तो उसके आधार पर हमने उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और इसके अलावा तंत्रिका ऊतक, इन चार ऊतकों में बांटा था। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा आज पेशी ऊतक चलता है। पेशी क्या है? पेशी जो होती हैं ये हमारी मसल्स कहलाती हैं, इंग्लिश में इनको मसल्स बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती हैं पेशी ऊतक? पेशी ऊतक जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन जो होता है ये होता है हमारा क्या? ऐच्छिक पेशी ऊतक। क्या? ऐच्छिक पेशी ऊतक। दूसरा जो होता है वो होता है अनैच्छिक। दूसरी जो होती है वो होती है अनैच्छिक। और तीसरी जो होती है वो होती है ये अनैच्छिक पेशी होती है। और तीसरी जो होती है वो होती है हृदय पेशी ऊतक। क्या? हृदय पेशी ऊतक। तो ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी, ठीक है, ये होती हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। ये मसल्स होती हैं जो मांस का निर्माण करती हैं। मांस जो होता है वो सब क्या होता है? इन्हीं के अंदर होता है। आगे देखिए तो ये क्या करते हैं? ये जो होती हैं ये हमारे शरीर में गति करती हैं, बहुत सारी क्रियाओं को संचालित करती हैं, ठीक है ना। हमारे हृदय को संकुचित करती हैं और फैलाती हैं। तो ये वर्क इनका होता है। तो आइए एक एक के बारे में समझते हैं क्या होता है। ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी को दूसरा नाम इसका रेखीय पेशी जो होता है, क्या होता है? रेखीय पेशी, रेखीय पेशी या कंकाल पेशी। तीसरा नाम इसका कंकाल पेशी होता है। क्या होता है? कंकाल पेशी, कंकाल पेशी होता है, ठीक है। ये कैसी पेशी होती हैं? ये जो पेशी होती हैं ये बेलनाकार होती हैं, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से पेशी होती हैं, गोल होती हैं और बेलनाकार होती हैं। इन पे जो होता है ये रेखा, ये एक समानांतर क्रम में कोशिकाएं लगी होती हैं, ये ऊतक लगे होते हैं, ठीक है भाई। ये देखिए, ठीक है भाई, इस प्रकार से ये कोशिकाएँ समानांतर रूप से व्यवस्थित रहती हैं। इसमें रेखा रेखा होती है, तो इसलिए इसे देखिए रेखीय पेशी ऊतक बोलते हैं, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं इसको? रेखीय पेशी ऊतक बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कंकाल पेशी में, कंकाल पेशी क्यों कहते हैं इसके? क्योंकि ये हड्डियों पर लगी होती है, हमारे कंकाल पर लगी होती है और कंकाल को क्या करती है? गति प्रदान करती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी होती हैं, कंकाल अस्थि से जुड़ी हुई होती हैं। आगे कह रहा रेखीय कंकाल पेशी तंतु एक समूह में एक साथ समानांतर रूप में पाए जाते हैं। इसके अंदर जो पेशी तंतु होते हैं यानी पेशियां जो होती हैं वो समानांतर रूप से लगी हुई होती हैं। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रेखीय पेशी ऊतक बोलते हैं, ठीक है भाई। पेशी ऊतक के समूह के में चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का एक आवरण होता है, जिसमें क्या होता है? आवरण पाया जाता है। तो इसमें जो होती है ये पेशियां, पेशी ऊतक जो होती है इस तरीके से लगे हुए होते हैं। यहाँ पर ये बेलनाकार होती है और यहाँ पर ये क्या होता है, इसका केंद्रक होता है। ये क्या होता है? इनमें केंद्रक पाए जाते हैं, बीच बीच में केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें ये रहा और इसमें ये रहा, ठीक है ना। तो ये केंद्रक होता है और यहाँ पर क्या होते हैं, ये इसकी जो ऊतक होते हैं ये समानांतर रूप से लगी हुई होती है। इनकी पेशी ऊतक जो होती है यानी पेशी तंतु जो होते हैं वो इस तरीके से समानांतर रूप से लगे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रहा, ये और ये दूसरा है, ठीक है। या इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर आपकी किताब के अंदर जो चित्र बताया गया है वो इस तरीके से है, ठीक है ना। यहाँ देखिए और ये यहाँ देखिए और यहाँ देखिए,
ये बीच में कैमरा की, ये कैमरा की और यहाँ पर ये समानांतर रूप से व्यवस्थित हैं, रेखीय रूप से व्यवस्थित हैं, इसलिए ये रेखीय पेशी हैं। कंकाल पेशी इसलिए हैं क्योंकि ये क्या होती है, हड्डियों पर लगी पाई जाती हैं, जिससे और हड्डियों को क्या करती है, करती हैं गति प्रदान करती है, कंकाल को गति प्रदान करती है, कंकालों से संबंधित होती है, तो इसलिए कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, जिससे और एक दूसरा जो है ये ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी इसलिए की जाती है कि ये पेशी जो जहाँ पर भी लगी होती हैं तो वहाँ पर उन अंगों में क्या होता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है भाई, कैसे कर सकते हैं, देखिए बताते हैं आपको, इच्छा के अनुसार कैसे कार्य कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं, जबड़े हम अपने अनुसार चला रहे हैं, जबान को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो ये ऐच्छिक पेशी के द्वारा हाथों को कैसे भी हिला डुला सकते हैं, टांगों को कैसे भी कर सकते हैं, चल सकते हैं, जब हमारी इच्छा के अनुसार होगी तो हम चल सकते हैं, रुक सकते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी इच्छा के अनुसार है, तो जो भी अंग हमारा इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है वहाँ पर क्या है, ऐच्छिक पेशी है। ठीक है भाई, तो ये होती है हमारी, इसमें कह रहा है कि इसके आगे कह रहा है नेक्स्ट है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी में वाली हमारी चिकनी पेशी किसे कहा जाता है, इस वाली को अनैच्छिक पेशी को चिकनी पेशी भी कहा जाता है। चिकनी पेशी किसे कहा जाता है, चिकनी पेशी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि चिकने ये चिकने अंगों में मिलती है चिकनी पेशी, या इसका नाम अनैच्छिक पेशी को है, अरेखीय पेशी भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अरेखीय पेशी, और या इसका नाम जो है वो चौथा नाम है क्या, अकंकालीय पेशी भी कहते हैं इसको, अकंकालीय पेशी, यानी ये जहाँ लगी हुई होती हैं वहाँ पर कंकाल नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो ये क्या कहलाती है, अकंकालीय पेशी कहलाती है। चिकनी पेशी अलग हो, चिकनी पेशी क्यों होती है, चिकन अंगों में पाई जाती है, जैसे हमारा स्टोमक हो गया, हमारी आंतें हो गई, ठीक है, हमारा क्या होता है, अंतर्जनन तंत्र होता है, तो ये क्या होता है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो ये क्या होता है, सब जो होता है ये अकंकालीय पेशी, इसीलिए कहते हैं इसको, क्योंकि ये क्या होता है, हड्डियों में नहीं पाई जाती हैं, ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जहाँ पर हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, तो और अपने अनैच्छिक इसलिए कहते हैं कि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, जैसे हमारा भूख का लगना, ठीक है, हमारा क्या है पेशाब का आना, ठीक है, मल का त्यागना या भूख का लगना, ये सब क्या है, या ब्लड का श्रवण, तो ये क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य होता है। किस किस में होती हैं और देख लेते हैं, इसमें हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, तो इसमें कह रहा है कि चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं। हाँ, इसकी संरचना जो होती है, क्योंकि वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है संरचना, ये तर्कुरूप होता है, तर्कुरूप यानी कि बीच में से मोटी और किनारों पर से पतली, इस तरीके की ये इनकी पेशियों के पेशी के तंतु होते हैं, जो क्या होते हैं, बीच में से मोटे होते हैं और इस पे यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से पतले होते हैं, ये देखिए, ठीक है भैया, तो ये क्या है, ये बीच में से पतले हैं और यहाँ से क्या है, ये क्या है, ये ऐसी पेशियां हैं जो क्या होती हैं, जो बीच में से मोटी होती हैं और किनारों पे से पतली होती हैं, तर्कुरूप पेशी भी बोलते हैं इनको, तर्कुरूप तंतु भी बोलते हैं इनको। तो ये कह रहा है कि चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं, ठीक है, होते हैं, दोनों किनारे पतले होते हैं, तथा इनमें रेखा या धारियाँ नहीं होती, इनमें कोई रेखा भी नहीं, इनमें ना तो कोई धारियाँ हैं, सिर्फ केंद्रक है और ना ही धारियाँ हैं, ना रेखा है इसके अंदर, तो ये अरेखीय होती हैं। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि इसमें आंतरिक अंग ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो पाए जाते हैं आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे रक्त नलिका, हमारी रक्त नलिका होती है, ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय
तथा आंत की भित्ति में इस प्रकार की पेशी उत्तक में पाया जाता है, अग्नाशय और आंतों की भित्ति में स्टोमक के अंदर भी पाए जाते हैं, तो ये होता है। आगे कह रहा है चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, बल्कि अनिच्छा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो इसलिए इसे बोलते हैं अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। हृदय पेशी देखें, हृदय पेशी में नेक्स्ट नंबर है हमारा हृदय पेशी। हृदय पेशी या इसको बोलते हैं हार्ट मसल्स, तो ये क्या कैसी पेशी होती हैं, ये जो होती हैं ये संकुचनशील ऊतक हैं जो केवल हृदय में ही पाए जाते हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक रूप में होकर चिपकी रहती हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, अच्छी तरह की भी और अनिच्छी भी। इसमें जो तंतु होते हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ देखिए और ये देखिए, यहाँ ये तंतु जो होते हैं इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि अगर एक कार्य कर रहा है तो दूसरा रेस्ट की उपस्थित रेस्ट की अवस्था में है, उसे दूसरे को रेस्ट मिल जाता है और तीसरा जो होता है वो कार्य करता रहता है, दूसरा जो कार्य करता रहता है। तो ये क्या होते हैं, बेलनाकार होते हैं लेकिन इच्छा के अनुसार भी नहीं होते हैं हमारी। ये क्या कर ये क्या होता है, हमारे हृदय की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, बल्कि क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक इसका तंतु रेस्ट अवस्था में होता है, दूसरा कार्य करता है, संकुचनशील अवस्था होती है, यानी एक संकेत ग्रहण करता है तो दूसरा क्या करता है उसको शिथिल करता है, फैलाता है। एक आराम अवस्था में होता है, दूसरा क्या होता है कार्य करने की स्थिति में होता है, तो जिससे क्या होते हैं ये थकते नहीं हैं, ये जीवन भर क्या होते हैं लगातार कार्य करते रहते हैं। जब से इनकी उत्पत्ति होती है, इनमें जब से क्या होता है प्राणी का जन्म होता है और आखिर में जब तक वो मरता है जब तक ये क्या करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये था क्या आपका हृदय पेशी और चिकनी पेशी। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा तंत्रिका पेशी, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक इससे अलावा जो ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक। ये तीन प्रकार के पेशी ऊतक हो गए आपके। नेक्स्ट है हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक या इसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाले ऊतक होते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारी बहुत सारे वातावरण के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं उन सबको क्या करता है, हमारी बॉडी को पता लगाता है। हमारी बॉडी जो होता है एक्शन लेती है उनके प्रति, जैसे क्या है मान लीजिए कभी सामने हम जा रहे हैं तो हमारी आँखें रास्ते में कहीं से कुछ चीज़ आ रही है, सामने से कोई ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, तो हमारी आँखें देखती हैं और वो हमारी साइड आ रहा है, तो हम क्या करते हैं हमारा माइंड आदेश देता है किसको, टांगों को भाई यहाँ से हट जाइए, एक साइड में हो जाएं, तो हम क्या करते हैं हमारी टांगें एक साइड को हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसके द्वारा होता है, ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। कहीं वातावरण के अंदर बदबू है तो हमारी नाक सूंघ करके बताती है कि भैया, तो हम क्या करते हैं उसे ढक लेते हैं नाक को। ठीक है, कहीं शोर हो रहा है तो कान पता लगाते हैं हम, किसी भी चीज़ का स्वाद जानने के लिए जबान हमारी टेस्ट कराती है, हमारी पूरी की पूरी त्वचा पर ये फैले हुए होते हैं, तो क्या अगर कोई चीज़ चुभ जाती है या गर्मी सर्दी होती है तो हमें ठंड का अनुभव, सर्दी का अनुभव या हमें चीज़ का अनुभव लगता है, वो किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाले ऊतक जो होते हैं वो तंत्रिका पेशी कहलाती हैं, और उनका निर्माण जो होता है वो होता है तंत्रिका कोशिका से, यानी न्यूरॉन से। किससे होता है, वो न्यूरॉन से होता है। न्यूरॉन की जो संरचना होती है वो एक वृक्ष की तरह, जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष इस तरीके से इसकी साथ ये संरचना होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पर क्या होता है, ये कोरल सा पार्ट होता है इसमें, और यहाँ से ये एक तरफ को इसमें निकली हुई होती है, दूसरा पार्ट जो होता है वो अन्य कोशिका से जुड़ा हुआ होता है। ये यहाँ पर
पेशियों से भी जुड़ा होता है, या ये क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। एक तो क्या होता है, संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले, दूसरे सूचनाओं को लाने वाले, एक होता है चालक, यानी जिनके द्वारा वो लाया ले जाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो होते हैं ये क्या होते हैं, चालक होते हैं। यहाँ से कोई दबाव डाला तो यहाँ से ये संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे और उससे कहाँ तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर क्या होता है इसका, देखिए ये होता है हमारा कोशिका काय, या साइटोम बोलते हैं इसको, साइटोम इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है हमारा ये केंद्रक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है यहाँ, ठीक है। ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म, क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं ये, इस तरीके से ये कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ ये बोले जाते हैं निसिल्स का, क्या कहला जाते हैं निसिल्स, निसिल्स का पार्टिकल। और ये जो होते हैं हमारे डेंड्रोम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये, और इससे जो शाखाएं निकलती हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हमारे डेंड्रोम, ये हमारे डेंड्रोम है, या वृक्षी कांड, ये इनकी जो इनका कनेक्शन होता है दूसरी कोशिकाओं से, इनका कनेक्शन होता है, इनको डेंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, डेंड्रोम। और ये क्या कहलाती हैं, ये शाखाएं बोलते हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये कोरल होता है, इसका कोरल पार्ट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है पार्ट निकल करके पेशी मसल्स, यहाँ मसल्स से जुड़ा होता है मसल्स, और यहाँ पर क्या होता है अन्य कोशिका से जुड़ा हुआ होता है नीचे जाकर के। तो ये क्या होता है, एक कोशिका तंत्रिका कोशिका का चित्र है। तो देखिए इसके बारे में क्या है, क्या बताया इसमें, तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि पर्यावरण के अंदर जो घटित हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्रिया करने के लिए एक उत्तरदायी तंत्र होता है। तंत्रिका कोशिकाएँ उत्तेजनशील कोशिकाएँ, यानी जो ये क्या कर देती हैं, उत्तेजना कर, उत्तेजनशील कोशिकाएँ होती हैं जो आदमी को हर चीज़ का पता लगाती हैं, ठीक है भाई। तो ये होता है, आगे देखिए तंत्रिका तंत्र की, ये तंत्रिका तंत्र ये है काय की संचार की इकाई है, संचार इकाई है। और तंत्री बंध न्यूरोगोलियो कोशिका बाकी तंत्रिका तंत्र की संरचना प्रदान करती है तथा तंत्रिका कोशिकाओं का सहारा तथा सुरक्षा देती है। ये सब क्या होते हैं, हमारे शरीर को पता लगाती है, मेंटेन कराती है पर्यावरण के प्रति कि क्या घटित हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा माइंड जो होता है ये नर्वस सिस्टम का सेंटर होता है, मेरुरज्जु, जो मेरुरज्जु के अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु एक रस्सी की तरह हमारे पीठ पर फैली हुई होती है, उससे शाखाएँ निकलती हैं पूरे शरीर पर फैलती हैं। तो जो क्या करती हैं, पूरे वातावरण के अंदर जो भी घटना घटित होती है उसको क्या करती हैं, उसको पता लगाती हैं, ठीक है भाई। तो ये था आज का आपका टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।